हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एस सिद्दीकी व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। होप करता हूं कि आप ठीक ठाक फिट फाट और खैरियत से होंगे, और हमारे सभी चाहने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि हम लोग का एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था कि हम लोग ने जो हमारा पुराना वाला ईगल था, हम लोगों ने कहा था कि उसको हम लोग ले कर चलेंगे अपने क्या कहते हैं कबूतर की जाल में, और कबूतरों का रिएक्शन देखेंगे कैसे क्या है। तो हमारे पास एक नया ईगल है, उसको हम लोग कबूतर के जाल में लेके चलेंगे और अपने कबूतरों का रिएक्शन चेक करेंगे। रिएक्शन चेक करने के बाद हम लोग को एक नेक काम और करना है, जो हमारा ये नया वाला ईगल है इसको हम लोग को आज़ाद करना है। इसको हम लोग आज़ाद करेंगे, और पहले तो रिएक्शन वीडियो हम लोग को बनानी बहुत ज़रूरी है। उस रिएक्शन को बनाते हैं, चलिए लेके चलेंगे ईगल को ऊपर कबूतर के जाल में। पहले उनका रिएक्शन चेक करेंगे, फिर जब रिएक्शन हम लोग देख लेंगे, पूरा वीडियो हमारा तैयार हो जाएगा रिएक्शन वाला, उसके बाद हम लोग अपने ईगल को लेके चलेंगे नदी किनारे। नदी किनारे जब लेके चलेंगे तो नदी किनारे इसको आज़ाद कर देंगे। तो चलिए ईगल को पिंजरे में से निकालते हैं। चलिए ईगल को हम लोग निकाल लेते हैं, इसकी रस्सी यहाँ से खोलेंगे, फिर इसकी रस्सी हम लोग पैर से भी खोलेंगे। आज पैर इसकी रस्सी पैर में बंधी हुई है, तो इसके पैर में कुछ बंधे बंधे तक पैर काला पड़ गया इसका। चलिए इसे निकालते हैं पहले। ये निकाल लिया, तो देखिए कैसे उड़ाई वे 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 ये उड़ने लगा है। यहाँ बैठाते हैं, देखिए वो तो रस्सी बंधी हुई है तो इस वजह से नहीं उड़ा, वरना ये उड़ रहा है अच्छा खासा। ये रस्सी की वजह से देखिए इसने पूरा पैर अपना फाड़ लिया है, पता नहीं क्या था, कहाँ उलझाया इसने, कहाँ फाड़ा पैर। रस्सी से तो मतलब नहीं था कि रस्सी से पैर फटेगा इसका, पता नहीं। चलिए इसकी रस्सी पहले खोल देते हैं। ये उड़ने के लिए बहुत बेताब हो रहा है, इसे उड़ाएंगे, लेकिन पहले रिएक्शन कैद करना ज़रूरी है। जिशान यहाँ आओ, मोबाइल पकड़ो, वीडियो बनाओ मेरी। इसने काट भी लिया मेरी उंगली में बहुत जोर से, देखिए उड़ क्या करा है। चलिए चलते हैं कबूतरों की तरफ, देखते हैं कबूतरों का रिएक्शन जानते हैं। देखिए एक कबूतर उड़ गया हमारा, वहाँ बैठा, आओ जा के अंदर जाओ जल्दी आ। चलो 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 अंदर चलो अंदर चलो जाओ जाओ चलो देखें कबूतरों का रिएक्शन, देखते हैं कैसे कबूतर भागने लगे। तो सब कबूतर डर रहे हैं, बस अब ज्यादा नहीं डराएंगे। आप लोग देखिए कबूतर कैसे चौकन्ना हो गए सारे इससे, और इसकी भी करते हैं देखिए, और इसकी एक ट्रिक और दिखाते हैं। इसकी ट्रिक देखिए कैसे करेगा ये, जैसे उंगली नचाएंगे वैसे इसकी करते हैं। अभी देखिए इसकी गर्दन देखिए, अभी ऐसे करते हैं, जिधर हम गर्दन करेंगे वैसे गर्दन करता है उसी तरीके से। इसकी ट्रिक हमने कल देखी थी, इसको ऐसे पकड़ते ऐसे करेंगे, देखिए गर्दन ये करेंगे ऐसे गर्दन करेगा, ये देखिए जैसे करेंगे वैसे इसके, देखिए उंगली उंगली की तरफ इसके निशाना देखिए, निशाना ये देखिए गर्दन। आग भी छोटी बड़ी करता है, जब उंगली इसके पास करो तो आग छोटी बड़ी करता है। चलिए अब इसका टाइम आ गया आज़ादी का, किधर गया जा रहा, उधर पेड़ों में चला गया। अब सारे कबूतर हम लोग ने छोड़ने के बाद खोल दिया है, ये देखिए अब इसने हमारी उंगली में काट भी लिया, फोकस नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों। अभी देख ये देखिए साइड में जरा सा फटा सा दिख रहा है, ये इसने काटा है, बहुत तेज चोंच इसने गड़ाई थी अपनी। अरे ये वहाँ जाके बैठ गया, हटो जान हटो। ये देखिए वहाँ छत पर दिख रहा होगा, ये कहाँ से दिखाएं, ये जो है ये मेरी उंगली के ऊपर, देखिए मेरी उंगली के ऊपर ये दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ पे,
और देखते हैं जूम करके कि आता है कि नहीं आता है। वो रस्सी के पीछे दिख रहा है थोड़ा, वहाँ बैठ गया है। और ये हमारे कबूतर सब खुल चुके हैं। अब चलिए इन लोग को दाना पानी भी दे देते हैं इसी टाइम। ये गिना फॉल बच्चे, ये कुछ कबूतर यहाँ बैठे हैं हमारे ऊपर की तरफ। आज हमें उसे आज़ाद करना था, उसे हम लोग ने आज़ाद कर दिया। आप लोग ने रिएक्शन भी देख लिया हमारे कबूतरों का। डरे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं डरे, बस थोड़ा ही सा डरे। हमने सोचा था बहुत ज़्यादा डरेंगे, भड़ 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 पूरे जाल में करने लगेंगे कबूतर, लेकिन डरे। उतरो पानी दो कबूतरों को, पानी ख़त्म हो गया। डरा कबूतर हमारे डरे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं डरे। चलिए आप लोग को एक बार क्या कहते हैं वो दिखा देते हैं ब्रीडिंग का, ये कहाँ कहाँ पे अंडे हैं, कैसे कैसे हैं। अंडे दिखा देते हैं। और कुछ बच्चे बाहर निकलने लगे हैं। अब ये देखिए लाल वाले बच्चे, ये बाहर दौड़ने लगे हैं। अब ये बाहर निकल के खाएंगे। ये देखिए ये हमारे लक्कों के अंडे यहाँ रखे हुए हैं। और ये हमारी काली माता, ये नीली माता बैठी हुई है। यहाँ बाजरी नर बैठा हुआ है, ये बैठी हुई है। जाल में बदबू बहुत है, इसको देखना पड़ेगा कहीं कुछ मरा वरा तो नहीं है जाल में। सफाई करवाएंगे जाल की, बहुत गंदा हो गया है जाल। चलिए अब इन लोग को खाना पानी खिला के बंद करते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या चीज़ हम लोग को करना है क्या नहीं करना है। चलिए अब इन लोग को दाना पानी खिला के बंद कर देंगे। पानी पीने सब आ रहे हैं। बच्चे ये देसी बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है माशाल्लाह। इसमें तीन मुर्गे एक मुर्गी निकली है खाली इन देसी बच्चों के। इसमें देसी बच्चे हमारे सब यहाँ मट्टी खाते रहते हैं। इन लोगों में क्या कहते हैं, तीन मुर्गे और एक मुर्गी निकली। कड़कनाथ वाला भी मुर्गा ही निकला है, ये भी मुर्गा निकला है। और एक वो टहला वो भी मुर्गा ही निकला है। बट एक ये लाल मुर्गी निकली है, ये अपनी माँ की तरह ये मुर्गी निकली है हमारी। और सब मुर्गे निकले हैं इसमें देसी। दाना डालो ईशान, दाना लाओ। दाना उधर लाए थे हम सुबह संडे से। ये रहा दाना, चलिए डालते हैं। ये दाना आ चुका है, ये रहा तो डालते हैं। सब कबूतर आएंगे खाने। डालो, चलिए अब खिला के बंद कर लेंगे। इधर के इनके भी कबूतर खुल गए हैं, बड़कों के। बड़कों ने भी अपने कबूतर उड़ा दिए हैं खोल के। ये वाली छत पे पले में हैं कबूतर। ये देखिए सब उड़ रहे हैं इनके कबूतर। हम लोग के घर के आसपास कई जगह कबूतर पले हैं। एक ये वाले घर में पला है कबूतर, एक वो जो वहाँ ऑरेंज झंडा दिख रहा है उसके पीछे पला हुआ है, एक वाला ऑरेंज झंडा दिख रहा है उसके पीछे पला हुआ है, एक वो जो वहाँ एकदम पेड़ों के पीछे घर दिख रहा है एक वहाँ पर पले हुए हैं। कई जगह कबूतर यहाँ पे पले हुए हैं हमारे घर के अगली बगल एकदम। और ये हमारे कबूतर हैं, ये सब बच्चे यहाँ खा रहे हैं खाना अपना। जिशान ने भी इन लोग को मुर्गी वाला दाना दिया है, फार्मिंग वाला दाना जो देते हैं हम लोग, ये तो दिया है जिशान ने, ये खा रहे हैं। चलिए अब आप लोग को दिखा देते हैं अपनी बत्तखें। और क्या कहते हैं हमारी बत्तखें आज नहा रही थी टब में, वो भी अभी आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। और वो देखिए हमारा मुर्गा वहाँ खड़ा है, ये मुर्गा यहाँ खड़ा है। और अभी एक बार हम लोग वो ये देखिए यहाँ पे एक आंटी हैं हमारे मोहल्ले में रहती हैं, ये अपनी बकरियाँ रोज़ चराने लाती हैं यहाँ पे। इनके पास चार पाँच या छः बकरियाँ हैं, ये रोज़ यहाँ लेके आती हैं। ये देखिए ये बकरियाँ चरा रही हूँ, मेहंदी भी तोड़ रही हैं वहाँ से। मेहंदी का पेड़ लगाया था हम लोगों ने वहाँ, ये तोड़ रही हैं मेहंदी। और हम लोग की बत्तखें सब यहीं टहल रही थी, देखिए वो रही बत्तखें हमारी सब। वो देखिए ये सब छः की छः बत्तखें यहाँ पे हमारी। और मुर्गियाँ इधर उधर टहल रही होंगी, देखिए कड़कनाथ यहाँ टहल रही है।
मुर्गा चिल्लाया। चलिए अभी हम लोग अपने उसके उसमें क्या कहते हैं फिंच में एक बार बच्चों का वो और देख लेंगे, बच्चे वाली हंडिया को एक चक्कर और देख लेंगे, उसमें जो चौथा अंडा था उसमें बच्चा निकला है कि नहीं निकला, या बच्चे हमारे कितने बड़े हो गए, ये देख के फिर हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। ये कबूतर उड़ रहे हैं, बड़कों के कबूतर हैं, उड़ रहे हैं। ये देखिए एक बैठ गया, एक ये भी बैठने के उसमें है, बैठ जाएगा ये भी। चलिए अब चलेंगे नीचे और फिंचों का चेक करेंगे। हम लोग आ गए हैं अपनी फिंचों की हंडिया को चेक करने। पहले आते हम लोग को ये दिख गया है कि हमारी फिंचों के उसमें पानी नहीं है, तो ये पानी भी भरवा लेते हैं, इसको बेसिन पे डालते हैं पहले और निकालते हैं हंडिया। हंडिया भी हम लोग को चेक करनी है। ये बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, इसको बंद करते हैं पहले ये ऊपर से और उतारते हैं नीचे। ये देखिए ये हैं तीन ही बच्चे, एक अंडा इसमें ये ख़राब है, इसको निकाल लेते हैं अंडे को। ये देखिए अंडा काला पड़ चुका है बिल्कुल, इसको फेंक देते हैं, इसको यहीं फेंकते हैं, सबको देखते हैं उसमें, देखिए पुच्छ से रह गया वहीं पे। और ये तीन बच्चे माशाल्लाह बड़े हुए हैं, एक तो भूखा लग रहा है और दो ये जो हैं ये बहुत बड़े हो गए हैं दो, और ये एक बच्चा हमको लग रहा है कि भूखा है। हाँ ये देखिए ये बच्चा जो है ये भूखा खाना मांग रहा है, ये दोनों एकदम खा खा के बड़े हो गए हैं, वो खा नहीं पा रहा। ये देखिए कहता खाना मांग रहा है। अब चलिए पानी भर लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।